साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, हमने ये जो आर बी एस सी की पुस्तकें, ये ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं 9th क्लास की, तो एक वीडियो हमने पहले बना दिया है जो फर्स्ट चैप्टर था। आज ये सेकंड चैप्टर है, भारत की नदियाँ और झीलें, ये इसका सेकंड चैप्टर है साथियों। और हम आपको अलग अलग एक एक चैप्टर करके पेश कर रहे हैं, बाद में इसका मर्ज करके एक वीडियो आपको ज़रूर पेश करेंगे। इनमें हम जो समस्यात्मक प्रश्न होते हैं या एक से अधिक प्रश्न बताने की संभावना होती है वो हम बता पाते हैं, इसलिए इन वीडियो को जरूर देखें। देखिए इसमें प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है सतलुज नदी का उद्गम स्थान। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो राक्षस ताल से होता है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि आपका समय कम खराब हो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की नदियों को कितने अपह क्रम में बांटा गया है? ये आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। और ये है साथियों 3, कितने अपवाक्रमों में बांटा गया है? इसे 3 अपवाक्रमों में बांटा गया है। और 3 कौन कौन से अपवाक्रम हैं? एक है उत्तर भारत, दक्षिण भारत और आंतरिक प्रवाह। कौन सा? आंतरिक प्रवाह। इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, यानी भारत की नदियों को कितने अपवाह क्रम में बांटा गया है, उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां और क्या नाम, आंतरिक प्रवाह की नदियां। इन 3 भागों में से बांटा गया है नदी अपतंत्र को। आगे देखिए, निम्न में से सिंधु की सहायक नदी नहीं है, सतलुज ब्यास, चिनाब झीलम, रावी और नुब्रा। और एक रखा लोहित और मानस। देखिए साथी, जो 4th वाला ऑप्शन है ये इसका उत्तर नहीं होगा। फिर इसका उत्तर क्या होगा? जो लोहित और मानस हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया है सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर बनाया गया, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर किस नदी पर बसा हुआ है? श्रीनगर जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है वो आपको देखना है। तो ये झेलम नदी पर बसा हुआ है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा व भागीरथी नदियाँ कहाँ पर आकर मिलती हैं? तो जो अलकनंदा और भागीरथी नदी हैं वो देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। इसके बाद में दोनों नदियों का संगम आगे जाके बढ़ता है, वो गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, बेतवा, कैन और घाघरा। आप लोग देखना, चंबल, बेतवा, कैन और घाघरा, तो इसमें से जो है 4th जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि यमुना की बाकी सब यमुना की सहायक नदियां हैं। जो घाघरा नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की। बाकी यमुना गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, यमुना कहाँ पर गंगा में आकर मिलती है? यमुना गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? और वो मिलती है प्रयाग नामक स्थान पर। कहाँ मिलती है? प्रयाग नामक स्थान पर। आगे देखिए, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, महानदी, यमुना और तीस्ता। देखिए तीस्ता जो नदी है ये सिक्किम की नदी है, ये यहाँ की नदी नहीं है, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है। उसका उत्तर जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी, बिल्कुल ठीक बात है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, ये भी ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है और महानदी गंगा की सहायक नदी है, तो ये कुछ गलत जा रहा है। जो महानदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, महानदी है, इसे उड़ीसा का सूप कहा जाता है और महानदी पर बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम मुझे बताइए जो दुनिया का सबसे लंबा बांध है। आपको समझ में आ गया होगा, हीराकुंड बांध की बात कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? देख, किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो वो नदी होगी ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। देखिए दिवांग और लोहित अभी आया था ये प्रश्न, भारेली और सुनबसरी, मानस और धनेश, हुगली और दामोदर। देखिए हुगली और दामोदर ये इसकी सहायक नदी नहीं है। 12th का 4 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो दक्षिण भारत की नदियां हैं
उन्हें दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा गया, इन्हें भी आप ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर चौदह है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो दक्षिण भारत की नदी जो है, दक्षिण भारत की गंगा, वो कावेरी नदी है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि बूढ़ी गंगा, बृहदगंगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी का जल कर्नाटक तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बना हुआ है? तो वो भी कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। महाबलेश्वरम के पास पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है कृष्णा नदी। महाबलेश्वरम के पास पश्चिमी घाट से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी सबसे बड़ी नदी है, और देखिए गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी और महानदी, तो 17 का उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? अभी मैंने बात की थी ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, तो ये महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नर्मदा का होता है। अगला क्वेश्चन, कपिलधारा प्रताप किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा प्रपात, जो कपिलधारा प्रपात है वो किस नदी पर है? तो वो है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा पर। देखिए नर्मदा पर एक और प्रपात है, और उस प्रपात का नाम क्या है जिसे बोलते हैं? मैं बोल देता हूँ, धुआंधार जलप्रपात। जो धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर एमपी में है, नर्मदा नदी पर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ताप्ती नर्मदा, माहिलूणी, साबरमती, चंबल और केन। देखिए चंबल और जो केन नदी हैं, ये नदियाँ यमुना में, यमुना की सहायक नदियाँ, और यमुना गंगा की सहायक नदी है, और गंगा बंगाल की खाड़ी का अपवर्तंत्र है। तो ये आपका प्रश्न सही हो गया होगा। अगला देखिए, बूलर झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, कश्मीर और असम। तो ये कश्मीर में स्थित है बूलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये प्राकृतिक झील। अगला क्वेश्चन देखिए, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लोनार जो झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, लोनार महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, सही सम्मिलित नहीं है, चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील केरल और डीडवाना झील राजस्थान। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। देखिए जो पुलिकट झील है वो इधर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, वो पुलिकट झील इधर है जहाँ हरिकोटा के आसपास में श्री सतीश धवन जो अंतरिक्ष धवन केंद्र है यहाँ पर था ये पुलिकट झील। तो ये आंध्र प्रदेश में, एपी में, ये पुलिकट झील केरल में नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1893 ईस्वी में अलकनंदा नदी के मार्ग में पहाड़ी ढाल से सेलों के खिसकने से किस झील का निर्माण हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना, गोहाना झील है। कौन झील है? गोहाना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? लूणी, बाणगंगा, चंबल। तो कौन सी है? चंबल। एक नदी और है माही, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ध्यान रखें। ये नदी भी क्या नाम है, वर्षवाहिनी नदी है, बाकी सब वर्षावाहिनी है। लूणी नदी का उद्गम स्थान नागपहाड़ अजमेर, ठीक है, और ये कच्छ किरण में विलीन हो जाती है। आगे देखिए, बेनेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? सोम, माही, जाखम। ठीक बात है, सभी हैं, सोम, माही, जाखम का एक त्रिवेणी संगम है और यहीं पर इनका मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध परियोजना बांसवाड़ा में, माही बजाज सागर परियोजना, इसे कादरी पिकप्पा भी परियोजना बोलते हैं इसको, ये बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला देखिए, चंबल नदी कहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती है? तो भीलवाड़ा, चौरासीगढ़, बिजौलिया और चित्तौड़गढ़। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, चौरासीगढ़ के निकट ये प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 30, कौन सा हो गया है? 30 हो गया है। अगला देखिए, 31, चंबल नदी कहाँ पर यमुना में मिलती है? तो इलाहाबाद, मुरादागंज, मेरठ, दिल्ली। तो उत्तर हो जाएगा मुरादागंज। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को वन की आशा वाली नदी कहते हैं, यानी वर्णाशा? तो बनास नदी को वर्णाशा नदी कहते हैं, और इसके प्रवाह को भूरी मिट्टी का प्रवाह, भूरी मिट्टी का प्रवाह
कई बार आया हुआ प्रश्न है। और बनास नदी जो है इस खमनौर की पहाड़ी राजस्थान से निकलती है और चेती दम से गुलाब की खेती इसी बनास नदी के क्षेत्र में की जाती है। और जो बाण गंगा नदी है इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, इसे रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये पिछली बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रामेश्वर के पास चंबल में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो रामेश्वरम में आकर मिलती है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। अगला क्वेश्चन, मंथा नदी किस जिले में, किस झील में, यानी किस जिले में गिरती है या झील में गिरती है, कुछ ये है, झील है ये सब, कौन सा है, झील, झील में गिरती है। तो डीडवाना, सांभर, पचपद्रा और कोई नहीं। तो साथियों ये सांभर में गिरती है। देखिए पिछली बार पीएसटीसी परीक्षा का एक पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, आप ध्यान रहें कौन कौन सी चार पांच नदियां जो इसमें गिरती हैं, मैं आगे भी उनके बारे में जिक्र करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए किस नदी का जल सांभर नदी में नहीं गिरता, सांभर झील में नहीं गिरता, तो वह है खारी, रूपनगढ़, खंडेला और बांडी। तो 35वां क्वेश्चन है, 35, तो इसमें क्या है, इसका कौन सा उत्तर होगा, यह आपको थोड़ा सा मुझे जवाब देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका हो जाएगा बांडी। जो बांडी है ये इसमें नहीं गिरती। तो अभी मैंने एक नदी के बारे में और जिक्र किया था, मेंथा, तो खारी गिरती है एक, रूपनगढ़ गिरती है दो, और खंडेला गिरती है तीन, और एक है मेंथा। ये चार नदियाँ हैं, इनको अच्छे से याद कर लो, कहीं पन्ने में लिख लेना, उपयुक्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, डीडवाना झील जहाँ पर सोडियम व सल्फेट बनाने के संयंत्र हैं वो कहाँ पर है? तो क्वेश्चन है 36 में, तो यह है नागौर में। देखिए डीडवाना झील जहाँ पर सोडियम सल्फेट बनाने का संयंत्र है, डीडवाना नागौर में आती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 37, लूनकर्ण और पचपद्रा झील क्रम से किन जिलों में है? लूनकर्ण, देखिए लूनकर्ण बीकानेर और पचपद्रा बाड़मेर है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसवंत झील में स्थित सबसे बड़ा टापू, देखिए जैसवंत झील में स्थित सबसे बड़ा टापू पाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी कहलाता है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, राजवंत झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका झील का निर्माण करवाया गया था 1662 ईस्वी में, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अनासागर झील का निर्माण 1137 में किसने करवाया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादा अर्णुराज के द्वारा करवाया गया था, तो अर्णुराज नाम नहीं है तो आनाजी दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा दौलताबाग सुभाष उद्यान किस झील के किनारे बनवाया गया था? और शाहजहां द्वारा बारहदरी का निर्माण भी इसी झील के किनारे करवाया गया था, उसका नाम था अनासागर झील। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? तो ये सिलीसेट अलवर में स्थित है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और सिलीसेट झील पर ही नटनी का बारा बना हुआ है, जबकि नटनी का चबूतरा बना हुआ है पिछौला झील पर उदयपुर में। अगला, कोलाय झील किस जिले में है? तो ये बीकानेर में है, यहीं पर कपिल मुनि का मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, जाना सागर झील किस जिले में स्थित है? जाना सागर झील है वो उदयपुर में है, जाना सागर उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, ताप्ती, नर्मदा, पेरियार, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे लंबी नदी है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। देखिए आज के लिए इतना ही, ये अपना सेकंड चैप्टर है, ये पूरा हुआ है। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपने पूरा वीडियो देखा 100% आपको पसंद आया होगा। देखिए आप हमें कमेंट करना और बताना, आप इसे लाइक करेंगे तो हमें एक भरोसा मिलेगा कि निश्चित रूप से हमारे वीडियो को देखा जा रहा है। तो साथियों अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहना, मैं अगला वीडियो आपको जल्द डालने वाला हूँ। थैंक यू।